डॉक्टर साहब, पहले आपकी इंट्रोडक्शन चाहिए। मैं डॉक्टर जावेद इकबाल खान, यहाँ ब्लड बैंक ऑफिसर हूँ एलडी हॉस्पिटल में। तो ये हमारा लाइसेंस ब्लड बैंक होता है, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने यहाँ पे एक लेडी जो है वो कई सालों से ब्लड देती आई है, तो ऐसे में एक लेडी का यहाँ पे आना और ब्लड मुसलसल तौर पे देना किस नज़र से आप देखते हैं? बिल्कुल, फीमेल में वॉलंटियरिज्म होना या जनरली वॉलंटियरिज्म होना बहुत ज़रूरी बात है। और सेंस इन्होंने अप्रिशिएट मैं करूँगा इनको कि इन्होंने बहुत दफ़ा इससे पहले भी 14-15 टाइम जो मैंने किया है 28 टाइम्स है। इनका मिशन ये है कि पब्लिक में ये अवेयरनेस आना चाहिए कि वुमेंस कैन आल्सो डोनेट ब्लड। एक ऐसी कंट्री है वहाँ पर 97% वुमेंस कैन डोनेट ब्लड, डू डोनेट ब्लड। सो वी अप्रिशिएट हर फॉर दिस नोबल काज फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी, इज़ अ वंडरफुल जॉब। डॉक्टर साहब, एक मैरिड वूमेन और एक विदाउट मैरिज, इसमें ब्लड में कोई फर्क होता है क्या? दिस इज दैट्स व्हाई आई आस्क एनकरेज वॉलंटियरिज्म इन अनमैरिड फीमेल्स। जो मैरिड फीमेल्स होती हैं उनमें कल एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, एलो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं प्रेगनेंसी की वजह से। सो वी प्रेफर, क्योंकि डोनर को तो कुछ नहीं होगा, अलबत्त रेसिपिएंट को रिएक्शन रेट ज़्यादा बढ़ती है। दैट्स वाई वी प्रेफर मेल्स डोनर्स एंड वी प्रेफर अनमैरिड फीमेल्स टू डोनेट ब्लड। तो क्या पैगाम है आपका आम लेडीज के लिए? वॉलंटियरिज्म होना चाहिए, मुझे लगता है सभी को डोनेट करना चाहिए। कहीं कोई शादियों से पहले अगर डोनेट करेंगे उस टाइम ब्लड भी ठीक होता है, क्योंकि फीमेल को फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉस जो होते हैं, पीरियड्स के दौरान भी ब्लड लॉस होता है, इनको आयरन रिप्लेसमेंट भी चाहिए होता है, लाइफ लॉन्ग आयरन चाहिए होता है। ऐसे भी आप 30 ml एक पीरियड्स में ब्लड लॉस होता है, आप देख लीजिए। अगर देखा जाए एक फीमेल को अगर 30 × 12 करेंगे कुछ एक पॉइंट तो ब्लड लॉस एक साल में हो जाएगा। सो इनको न्यूट्रिशनल डाइट खानी चाहिए, गुड डाइट भी ले लेनी चाहिए, आयरन रिच डाइट ले लेनी चाहिए, और वह उन लोगों को डोनेट करना चाहिए जिनका पीरियड्स वगैरह रेगुलर साइकिल वगैरह हों। वो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। नाम बताइए अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किस आरा है, मैं एक आशा वर्कर हूँ गोंड चबूतरा ब्लॉक लंगड़ी से डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। मैम, मुसलसल तौर पे आप ब्लड देती है, क्या आप ऐसा कुछ महसूस तो नहीं करती है कि ब्लड देने से जिस्म में कोई कमज़ोरी आ जाती है? जैसा कि आम लोगों में ये कंसेप्शन होता है कि ऐसा कुछ होता है, आप क्या महसूस करती हैं? जी नहीं सर, मुझे ये टेंशन होती है कि 4 महीने कब हो जाए और मैं ब्लड डोनेट करूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब भी मैं ब्लड डोनेट करती हूँ, मैं बहुत अच्छा फील करूँ। जब से मैंने ये मिशन उठाया है तब से मुझ में बहुत हुनर है और मैं मतलब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ, ख़ास करके अपनी बहनों से जो कतराती है, जो डरती है ब्लड देने से, इसीलिए मैं लाइव आती हूँ कि मेरी बहनें आ जाए और ब्लड दे दे। जैसे कि आजकल मतलब मेरे कुपवारा और हंदवारा में कोई पेशेंट रेफर नहीं होता है, इसलिए कि ब्लड की वजह से वहाँ पे इतना ब्लड है आजकल कि मतलब कोई रेफर नहीं होता है ब्लड की वजह से। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि हर एक हॉस्पिटल में जाए और ब्लड अवेलेबल रखे वहाँ पे, ताकि हमारे भाइया मतलब एक्सीडेंट होते हैं आजकल, क्योंकि मतलब ब्लड की वजह से किसी की डेथ ना हो जाए। मैं बहुत शुक्र करती हूँ अपने आप का भी और अपने भाई बहनों का भी जो आजकल ये ब्लड डोनेट करते हैं। मैडम, जब आपने पहला ब्लड पॉइंट दिया तब एज की क्या थी आपकी? मेरी एज थी तब 25-4। हाँ, 25-4, ये मुझे याद भी नहीं है, आज मैं 32 ईयर्स की हूँ। तो तब से आप मुसलसल ब्लड देती आ रही है? हाँ, 2012 से मैंने 23 सितंबर था तब पहला पॉइंट मैंने यहीं पे दे दिया था 2012 में।